हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल टी एस फास्ट ब्लॉग में। फिर आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया। कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ फिर बहुत स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ रहें। वीडियो को पूरा वॉच करें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जाना पहचाना सोनू कुमार, यूपी से अलीगढ़ का रहने वाला, और आपको इसी तरह के एक से बढ़कर एक बढ़िया जानकारी भरी वीडियो दिखाता रहता हूँ। ये है अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड के रावण के पुत्र, जो काफ़ी बड़े। इनके अंदर तीन खासियतें थीं जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे दोस्तों आपके लिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के जादू टोना के परेशान हैं, टेंशन ना लेने की बात नहीं है भाई। हमारे चैनल पर है सूरजपाल बाबा, जो कि जादू टोना के बहुत अच्छे विशेषज्ञ, फ्री इलाज करते हैं, कोई चार्ज नहीं। आपकी समस्या आप ध्यान देकर के बताते हैं। ये अलीगढ़ के अलावा हंसते हुए नजर आए और अब आपके लिए इनका बेनाथ का दहन उन्हें लगा है। देख रहे हैं काफ़ी तेजी से काफ़ी पटाखे लगाए जाते हैं इनके अंदर, बारौटी का चमत्कार दिखता है। और इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा दोस्तों, जो कि उसमें दिखाया जाएगा आपके लिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ निकाली जाती हैं, कहाँ कहाँ से झांकियाँ आती हैं, और झांकियों के बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा। और फिर उसके बाद में एक वीडियो और आएगा इस रावण का अपडेट का, जो कि उसमें बारौटी, जो कि इसको पटाखे अनार लाइटों का इन्होंने कमाल दिखाया था दोस्तों, वो भी आपके लिए हम इसी वीडियो के बाद में दिखा देंगे। और आप देख रहे हैं अब जो इसका रावण का दहन होने वाला है, और जी मेघनाथ जी का अभी शाम जाकर जितने रावण का भयंकर रूप देख रहे हैं। काफ़ी तेज आवाज़ है भाई, मैंने अपनी आवाज़ की वजह से ये थोड़ा सा बेस कम कर रखा है रावण वाला, और काफ़ी खतरनाक नज़ारा था शुरू में। देखा आपने इसकी ढाल घूमी, उसे आग निकली, यानी कि उसको हंसता हुआ बोल सकते थे आप, और ऊपर वाली छतरी थी वो भी घूमी थी, और इसकी जो तलवार भी हिलती नजर आई थी। और अब जी मेघनाथ जी रह गए लास्ट में, और ये थोड़ा सा लेट में आग पकड़ पाए। और देखिए भाई खतरनाक नज़ारा। और यहाँ की भीड़ की बात करें तो भाई ऐसी भीड़ अब मैंने कहीं भी नहीं देखी, जो कि इतने खतरनाक भी अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में आती है। काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, और ये देखें क्या गत हो रही है। मैं भीड़ भी दिखाऊंगा आपके लिए कितनी भीड़ है यहाँ का। बहुत ही खतरनाक नज़ारा होता है जब रावण जलता है। आप फैमिली के साथ कभी अलीगढ़ का मेला देखने आते हैं तो भाई आपसे थोड़ी सी बात बताता हूँ, आप रावण दहन होने से पहले ही निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने बदतमीज लोग आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। धक्का मुक्की और जेब कटने का भी डर रहता है, जो कि आज मेरे पीछे वाली पॉकेट में मुझे पता थी पैसे रखूँगा पर्स रखूँगा तो गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं रखा था। खाली दो कार्ड थे किसी ने मुझे दिए थे और वो मैंने रखे, वो किसी ने पैसे समझ के भाई कि वो दोनों कार्ड निकाल लिए। कोई बात नहीं, मुझे पता था यहाँ पर ऐसा होता है, इसीलिए मैं सावधान तरीके से आते हैं हम लोग। और ये देखेंगे भीड़ का नज़ारा कितनी खतरनाक। और देखिए भैया गलियों में भी यहाँ से जाने के बाद बच्चे लोग रावण का पुतला बनाते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उसमें पटाखे लगाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों का ये हाथों का बना हुआ पुतला और यहाँ पर दहन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए इसको भी, और इसमें भी पटाखे लगाए बच्चों ने, काफ़ी मेहनत, एक महीने से पहले ही लगाना बनाना इनको शुरू कर देते हैं। स्कूल जाने के बाद रोज़ाना बच्चे इनमें लगते हैं, और उसके बाद में एक पुतला बन के तैयार होता है। भाई जी क्या बात है पुतले जी। और अब ये मुझे लगता है भाई पुतला गिरने वाला है। ओ ये गया ये गया ये गया भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा और बाकी है देखना अभी। और इनके पैरों में ही आग लगी है और दोनों पैर भस्म हो चुके। ये जूते भी बनाए थे, बढ़िया बनाया था बच्चों ने पुतला, और अब ये मुझे लगता है पूरा जलने से पहले ही गिर गया भाई रावण का पुतला। बच्चों ने बनाया था काफ़ी मेहनत के साथ में और वो ठीक से नहीं चल पाया। कोई बात नहीं है, इसको दोबारा से खड़ा करते हैं। इनमें से कोई सा वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी नॉलेज भरी वीडियो, जादू टोना वाली देखिए, लेकर नमाज देखिए और माता जी की वीडियो देखिए। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो।